इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने फेसबुक के अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेने के बाद आपको तीन डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं राइट साइड के ऊपर में, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और क्लिक करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, यहाँ में से आपको क्लिक करना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद हमको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, तो यहाँ पर क्लिक करिए। तो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है टेम्पोरली तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर आपको अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है परमानेंटली तो नीचे वाला अकाउंट से ऑप्शन सेलेक्ट करिए, तो इसमें क्लिक करते हैं। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके बाद क्लिक करिए कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन। अब हमारे सामने ऐसा पेज आ जाता है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दो ऑप्शन देता है, या तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर और मैसेंजर वाली जो अकाउंट है उसको, और आप चाहे तो अपनी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आपने जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ और पोस्ट डाले हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट अकाउंट का, तो डिलीट अकाउंट में क्लिक करते हैं डिलीट करने के लिए। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है जो हमारा अकाउंट का है। पासवर्ड इंटर कर देने के बाद हमको क्लिक करना है कंटिन्यू में। तो यहाँ पर एक आपको मिला है मैसेज कि अगर आप यहाँ पे डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देते हैं तो आपको 14 दिनों तक आपको लॉगिन नहीं करना है अपने अकाउंट में, क्योंकि अगर फिर से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, और अगर आप डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देने के बाद लॉगिन नहीं करते हैं तो 14 दिनों में यह परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए क्लिक करिए डिलीट अकाउंट में। तो यहाँ से हमारा सेशन एक्सपायर हो जाता है और हमारा अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आराम से अपने फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि डिलीट करने के बाद 14 दिनों तक आपको लॉगिन नहीं करना है फिर से। तो इस तरह से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसी वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।